जय हिंद जी। इस सीरीज के अंदर आज का टॉपिक रहेगा भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व। जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी पेन लेके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो दो चार बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ध्यान से सुनिए। देखिए पहला बिंदु, मानस। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग ये टाइगर रिजर्व हैं, और ये कहाँ पर हैं? असम में। कौन कौन से, फिर से सुनिए, मानस असम में है, नामेरी असम में है, काजीरंगा असम में है, ओरांग भी असम में है। दूसरा प्रश्न, असम की राजधानी दिसपुर है। असम उत्तर भारत का क्या है, राज्य है। आगे देखिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, कामलंग अरुणाचल प्रदेश कामलंग टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, बोलो, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर में आता है, उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश यानी सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में दिखाई देती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इस प्रदेश का नाम ही अरुणाचल प्रदेश है। अरुण कहते हैं सूर्य को। आगे देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है, नागार्जुन सागर ये टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध भी है कृष्णा नदी पर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, आगे देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, उन्हीं के नाम पर है। रामायण में कितने सर्ग हैं, सात। आप बताइए महाभारत में कितने सर्ग हैं, महाभारत के कितने अध्याय हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, और अचन कुमार टाइगर रिजर्व ये भी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद उदंती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी ये दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। गुरु घासीदास ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53, तो ये 53 नंबर का है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। पलामू झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची है। आगे देखिए, दंपा, दंपा जो है ये मिजोरम में है, मिजोरम सेवन सिस्टर्स में आता है, और इसकी राजधानी आइजोल है। रणथंबोर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये तीनों राजस्थान में हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर की स्थापना किसने कराई थी, सवाई जयसिंह ने। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी, क्यों कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। रामगढ़ बिसधारी बाघ अभयारण्य है ये आपका, ये भी राजस्थान में है, रामगढ़। आगे देखिए, बांदीपुर गढ़ जितने आएंगे वो सब राजस्थान में है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक में है, नांगरहोल भी कर्नाटक में है। नांगरहोल, बांदीपुर और भद्रा ये तीनों कहाँ पर हैं, कर्नाटक में। आगे देखिए, दांदेली अंसी या काली ये टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सिलिकॉन वैली भारत की कौन सी है, बोलो, बेंगलुरु। आगे देखिए, पेरियार इंपॉर्टेंट है, पेरियार ये कहाँ पर है, ये पेरियार नदी पर ही है, कहाँ पर, केरल में। उसके बाद परम्बिकुलम कहाँ पर है, ये भी केरल में है। केरल की राजधानी क्या है, बोलो, तिरुवनंतपुरम, कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम। सबसे पहले मानसून भारत में किस राज्य में आता है, केरल में, किस तारीख को, 1 जून को। केरल बताइए, केरल पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है भारत के, और किस सागर के साथ सीमा लगाता है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
क्या है बोलो? भोपाल। आगे देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, इंदिरा और प्रियदर्शनी और पेंच ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में ही है। संजय दाबुरी, संजय दुबरी ये भी मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा, संजय दुबरी ये दोनों मध्य, तीनों मध्य प्रदेश में है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस तट पर है? सालसेट द्वीप पर है। तट कौन सा है? पश्चिमी तट, अरब सागर। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, पता ही होगा आपको। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये पहला है भारत का, सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। और जिम, अब तो इसका नाम बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। जिम कार्बेट का ध्यान से ध्यान रखिए। राजा जी ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या बोलो? देहरादून। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो पहले कहाँ था? नैनीताल, लेकिन अब हाई कोर्ट उत्तराखंड का हल्द्वानी हो गया है। ये करंट अफेयर के लिए है। आगे देखिए, सुंदरबन, सुंदरबन और बुक्सा ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। कवल अमराबाद ये तेलंगाना में है। कवल और अमराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 में। और इसका जो गठन है वो आंध्र प्रदेश को काट के किया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश को। तो अब 2024 से इसकी राजधानी जो है अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगी। आंध्र आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी जो बन रही है विधानसभा, और आपकी तेलंगाना की जो है वो हैदराबाद रहेगी। सिमलीपाल ये ओडिशा में है, और सतकोसिया ये भी ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा में अवस्थित है। ओडिशा के जितने भी मंदिर हैं वो बताइए किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली? कालकड, मुद्दन, थुरई और अन्नामलाई, ये तीनों भारत के अभयारण्य जो हैं ये तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु की राजधानी क्या है बोलो? चेन्नई। क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। मुदुमुलाई, सत्यमंगलम ये भी तमिलनाडु में है। श्री बिल्ली पुथूर और मेघामलाई ये भी तमिलनाडु में है। ये मेघामलाई 51वां बना है तमिलनाडु में। तो वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो भारत में 2,967 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बाघ जो हैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हैं, ये ध्यान रखिए। और कितने राज्यों में भारत के बाघ पाए जाते हैं? भारत में कुल राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। इन 28 और 8 राज्यों में केवल 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं। बाघ का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब होता है? इंटरनेशनल है ना बाघ दिवस 29 जुलाई। भारत में कुल टाइगर रिजर्व भी हम बता चुके हैं 53 हैं। 53 वा कौन सा बना? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और पहला जिम कार्बेट जिसका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया नाम, ये 1973 में बना था। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र का है, बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व। लेकिन ओवरऑल अगर बाघों की संख्या के अनुसार देखेंगे तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट ये सबसे बड़ा है। बाघ सबसे ज़्यादा इसी में है।
ठीक है। वैसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो जिम कार्बेट में सबसे ज़्यादा है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बताइए? कैलाश सांखला, याद रखिए इम्पोर्टेंट है। किसे कहा जाता? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे आपके बाघ, भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व से, और कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं बाघों से संबंधित कुछ कथन मैंने बताए हैं। और इसको वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।